Olha, o revirou, tá virou. Ô, oh, acabaram com a bonete! E a bonete? Foi a minha, foi a tola! Assalamu alaikum, beautiful people out there! तो ये जो ईद है ये 2016 के बाद मुझे लगता है ऐसी ईद जब हमारे पास फोन तो है लेकिन ना इसमें नेटवर्क है ना इंटरनेट है. तो तकरीबन 4 अगस्त से 12 अगस्त है आज डेट. ये देखिए आज 12 अगस्त है डेट और तकरीबन हमें 8 दिन हो गए हैं फ़ोन के बगैर इंटरनेट के बगैर हमारा कनेक्शन सारा कट चुका है. और ईद मुबारक टू एवरीवन आउट देयर. एंड पहले मैं नीचे जाता हूँ चाय पीता हूँ और ईद नमाज अटेंड करता हूँ, आप लोगों को अपने साथ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू में रहेंगे. तो चलते हैं. और हाँ, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब आएगा लेकिन जब आएगा आपको तब पता चल जाएगा. एंड हो सकता है अगले महीने आए या हो सकता है कि कभी नहीं आए क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद है, हमारी सिम्स बंद है यहाँ कश्मीर में. बस यही सीन. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice cover. तो मैंने क्या सोचा था कि जो conditions हैं कश्मीर में आज normal है और अब आज तो ईद है तो आज ज़रूर ये कैसे बोलते हैं नेटवर्क होगा, सिम होगी, इंटरनेट होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है. हालात नॉर्मल है तब भी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है. एंड मैं ईद नमाज के लिए जा रहा हूँ. आई एम टेकिंग माय कार आउट एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर. सो फाइनली हम मस्जिद पहुँच चुके हैं. एंड सो फाइनली ईद नमाज अदा हो गई. अच्छा अच्छा, फाइनली ईद नमाज अदा हो गई. एंड दिस वाज द प्लेस जहाँ हमने ईद नमाज परफॉर्म की. एंड माशाल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल मस्जिद लाइक आई सेड बिफोर. एंड लुक आउट द ब्यूटीफुल ग्राउंड. सो गाइज फाइनली ईद नमाज हो गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नाइस. एंड इंटरनेट नहीं है तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हम 100 साल पीछे चले गए जब फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और मतलब ये नेटवर्क वेटवर्क का कोई टेंशन नहीं था. वैसी लाइफ हो गई हमारी. यस. तो आज कुर्बानी होगी. आज कुर्बानी यहाँ पर होगी इस जगह पर. तो मुझे लगता है कि मैं वो कुर्बानी नहीं दिखाऊँ क्योंकि उससे सीन क्या हो जाता है कि जो कुर्बानी में खून निकलता है ना उससे क्या हो जाता है कि YouTube क्या करता है कि YouTube उस वीडियो को डीमोनेटाइज करता है और डिलीट भी कर सकता है क्योंकि वो कुछ एज रिस्ट्रिक्शन ऑल दैट स्टफ आ जाता है. क्योंकि एक बार मैंने कुर्बानी का वीडियो चढ़ाया था, मैंने उसमें क्या किया था कि मैंने एक सिनेमैटिक शॉट जैसा वो बनाया था कुर्बानी करते हुए, लेकिन वो फिर यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया. तो इसीलिए मैं कुर्बानी नहीं दिखाऊंगा. सो अगर ईद नमाज की बात करें, ईद नमाज अच्छे से होगी और मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर दिया है. लेकिन इस ड्रेस में क्या है कि आपको नवाबों वाली फीलिंग तो आती है, राइट? आपको भी लग रहा होगा. लेकिन
इस गेटअप की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर पानी फेंके से स्प्रिंग किया, मैंने पानी थोड़ा छिड़का है तो ताकि गर्मी मुझे कम लगे। एंड अब आपको नवाबों वाली फीलिंग अगर चाहिए तो एक डिसएडवांटेज है कि आप इसको टर्न नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फिटिंग टाइट होती है। अगर आपको अब अच्छा दिखना है तो कुछ चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ अपनी पुफी की घर, और ईद के दिन हम करते क्या है वो मैं रास्ते में बताऊँगा। तो मैंने आज क्या प्लान किया कि मैंने इसको आज ऑटो मोड में रखा है, एंड क्योंकि जो ऑटो मोड का क्या मोड है, इसको सी ए मोड है और इसमें ये अलग ही रिकॉर्ड कर रहा है। पको करो वो। तो इस मोड में क्या है, ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा कर रहा है, आईएसओ भी अच्छा रह रहा है, एंड अब से मैं इसी मोड पे रिकॉर्ड करूँगा और फोटोज भी बहुत मस्त ले रहा है। एंड मैं जा रहा हूँ अपने पुफी के घर। So this is how it looks, and इतनी छोटी सी जगह रख ली है। Oh,